Good morning, dear friends, and greetings to you in the name of the Lord Jesus Christ, whose mercies and faithfulness have brought us to this new day. और सुप्रभात मेरे मित्रों, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब का अभिवादन करता हूँ, जिसकी दया करुणा में उसने आज का ये नया दिन हमें दिया है. Let us be quiet in the presence of God just for a few minutes and listen to the voice of God. और आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम कुछ क्षण के लिए शांत होकर उसकी वाणी और वचन से सुने. Remember I said on Tuesday that we will continue the study from Romans chapter 12 verses 1 and 2. और अगर आपको याद हो, हमारे पिछले मनन जो कि मंगलवार को था, मैंने आपसे कहा था कि हम अपने मनन को जारी रखेंगे पौलुस प्रेरित की पत्री जो उसने रोमियो की कलीसिया को लिखी, उसका 12वां अध्याय, उसके पहला और दूसरे वचन से. In these two verses apostle Paul has brought our attention to two important aspects of true Christianity. और इन दो मुख्य वचनों में पौलुस प्रेरित हमारी ध्यान को दो मुख्य सिद्धांतों की ओर खींचता है. So the first aspect we considered on Tuesday. और जो पहला सिद्धांत है जिसे हमने मंगलवार को देखा, it says, do not conform to this world. कि इस संसार के सदृश ना बनो. But be renewed in mind. लेकिन अपने मन में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बलता चला जाए. Today's meditation is, और आज के दिन के मनन के लिए the second part of, हम दूसरे उस मुख्य बात पर जाएंगे, which says, offer your bodies as sacrifice. जिसमें इस प्रकार लिखा है, offer your bodies, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर के भावता बलिदान करके चढ़ाओ. That is the second part. और ये वो दूसरा भाग है. Body is the means of expression. याद रखिए, शरीर हमें दिखाता है, हमें व्यक्त करता है. That's why body is very important. और इसीलिए शरीर महत्वपूर्ण है. A person can exist without and live without a body. और एक व्यक्ति बिना देह के या शरीर के भी जी सकता है. But then people will not enjoy that form of life. लेकिन लोग ऐसे एक जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे. We do not know what that person look like. और हमें ये पता ही नहीं होगा कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है. And we don't understand anything about the expression. और हमें उस बात के विषय में कुछ पता ही नहीं. And so body is the means of expression. और इसलिए ये शरीर उस बात को दर्शाता है. And that is why body is very important. और इसी कारण वह शरीर बहुत महत्वपूर्ण है. And there are three things for us to consider in this. और इस भाग में तीन ऐसी बातें हैं जिनके विषय में हमें सोचना है. Number one, पहली बात, it has to be a living sacrifice. कि एक जीवित बलिदान होना है. You know the importance of your body. आपको पता है आपके शरीर का महत्व. The expression your body. जहाँ पर इस शब्द इस प्रकार लिखे हैं कि तुम्हारे शरीर, इसका मतलब है आपके अपने शरीर. Christian doctrine does not teach get rid of your body. ईसाई सिद्धांतों का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीरों से आज़ादी पालें. But offer it as a sacrifice. लेकिन इस देह, इस शरीर को एक बलिदान के स्वरूप आप परमेश्वर को दे दें. A living sacrifice. एक जीवित बलिदान के रूप. That means. इसका मतलब है. Not killed. कि उसे मारना नहीं है. But then what does it mean? लेकिन फिर इसका मतलब क्या है? Anyway, now. As I said, body is the means of expression. और जैसा कि मैंने बताया कि शरीर हमारे अपने आप को व्यक्त करने का एक जरिया है. So by watching the body language, we can know whether you are happy, whether you are sad, whether you are excited, or whether you are angry, or about to beat somebody. We get to know all these by simply watching your body language. और आपकी शारीरिक शैली को देख करके हमें ये पता लग जाता है कि आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप निराश हैं, आप आनंदित हैं, आप किसी को मारने वाले हैं, किसी पर क्रोधित हैं. ये सारी बातें आपके जो जीवन है, शरीर की, शरीर से देखने से पता चल जाता है. Body has one body and this one body has many members. और शरीर तो एक ही है, लेकिन इस एक देह के कई सारे अंग हैं. And each member is vitally important
for the whole person. और हर एक सदस्य इस देह का एक पूरे व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. And it is with the body that we speak. और ये तो देह ही है जिसके द्वारा हम बात करते हैं. And we do things with our hands. और अपने हाथों से कार्यों को करते हैं. We go to places with our legs. और हम जगह-जगह अन्य-अन्य स्थानों पर जाते हैं अपने पैरों से. And we see things, people, things and beautiful things of this world like flower and hills and mountains with our eyes. और हम इस संसार की सुंदर बातों को उन पहाड़ चोटियों तितलियों पक्षियों और फूलों को देखते हैं अपनी आँखों से. And with our ears we hear and we listen. और अपने कानों से हम सुनते हैं. But then it says that amazing body. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि वो अद्भुत शरीर. As to be presented to God as a living sacrifice. उसे हमें परमेश्वर को एक जीविते बलिदान के स्वरूप सौंप देना है. And not killed. उसे मारना नहीं. To live for God and to serve God, this body is vitally important. और इसलिए परमेश्वर के लिए जीने के लिए और परमेश्वर की सेवा करने के लिए शरीर बहुत महत्वपूर्ण है. And so that means we must be ready and willing to make any sacrifice, even the comfort of our body, in order to fulfill God's will for our life. और इसका मतलब ये है कि हम हमेशा तैयार हो कि हम अपने शरीर के सुख और विलासों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को इस देह में पूरी करने पाएं. Today's world lives only for the flesh, only for the body. लेकिन आज का संसार तो सिर्फ देह या शरीर के लिए जीता है. What pleases our body? और जो भी बातें हमारे शरीर को लाभ देती हैं. Now living sacrifice means not living according to the cravings and desires and the lust of our body. और जीवित बलिदानों का मतलब ये है कि हम अपने शरीर की लालसाओं, सुख भोग और विलासों के अनुसार ना जिएं. That means इसका मतलब है, do not allow our body rule over the spirit. इसका मतलब हम अपनी देह या शरीर को ये अनुमति नहीं देते हैं कि वो हमारी आत्मा पर राज करे. There is a spirit within man. क्योंकि एक आत्मा मनुष्य के भीतर. There is a soul within man. और एक प्राण और एक दूसरे हाथ पर एक आत्मा मनुष्य के भीतर मौजूद है. That is invisible. और वो अदृश्य है. But that is the real life. लेकिन वही सच्चा जीवन है. That is the real you. और वही आपका सच्चा व्यक्तित्व या आप है. And we must understand. So we don't live only for the flesh. और इसलिए हम सिर्फ देह के या शरीर के लिए नहीं जीते. We live to serve and please God. हम जीते हैं कि परमेश्वर की सेवा करें और उसे प्रसन्न करें. Because God created us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया. For that purpose. उस उद्देश्य के लिए. And that means. और इसका मतलब the है. The second thing to notice is. दूसरी बात जो हमें देखनी है. The first one is. Offer your bodies as a living sacrifice. कि अपनी देह को एक जीवित बलिदान के रूप में समर्पित करो. And secondly, और दूसरी बात, it has to be a holy sacrifice. कि इसे एक पवित्र बलिदान होना है. Now, what does that mean? इसका क्या मतलब है? That means whatever we do with our body. इसका मतलब ये है कि हम अपने शरीर के साथ जो कुछ भी करते हैं. Should not contaminate us and pollute us. वो हमें दूषित ना करने पाए या हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराई ना लाने पाए. Because our bodies are the temples of the living God. क्योंकि हमारे शरीर उस जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं. And God will not and cannot live in a polluted, corrupt body. और याद रखिए, परमेश्वर एक दूषित या बुराई से भरे जीवन या शरीर में नहीं वास कर सकता. It has to be a holy sacrifice. लेकिन उसे एक पवित्र बलिदान होना होगा. And then, और उसके पश्चात,
we will be able to do God's will and please God with our body. उसके पश्चात हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने पाएंगे और उसके अनुसार चलने पाएंगे. The Bible says, वचन बताता है, with your bodies glorify Him. कि अपनी शरीर के द्वारा तुम परमेश्वर का महिमा करो. How do we do that? हम ये कैसे करते हैं? The Bible also says, वचन ये भी बताता है, He who praises God glorifies Him. कि जो परमेश्वर का स्तुति करता है वो परमेश्वर का महिमा करता so, है. So why what we do with our bodies bring glory to God? और जो कुछ भी हम अपने शरीर से करते हैं वो परमेश्वर को महिमा लाते हैं. And also glorify God and by praising and testifying about the great and being a witness for the greatness and majesty of God. और हम परमेश्वर की महिमा उसके अतुल्य भाव और स्वभाव के लिए एक गवाह भी ठहरते हैं. And so that is the second thing. ये वो दूसरा and बात था. And the third thing is, जो तीसरी बात है, it has to be a acceptable sacrifice. कि उसे ग्रहण योग्य बलिदान होना है. What is acceptable? ग्रहण योग्य का क्या मतलब acceptable है? Acceptable to whom? किसके लिए ग्रहण योग्य? Number one, acceptable to God. पहला परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य. Who created us? जिसने हमें बनाया. He created you for the purpose of revealing Him to a world which does not honor Him or know Him. और उसने इसलिए आपको बनाया कि वो आपको उस संसार के सम्मुख आप उसके गवाह बनने पाएं, उसे प्रकट करने पाएं जो परमेश्वर को जानता नहीं. By keeping our body holy unto God. और अपने देह या शरीरों को परमेश्वर के लिए पवित्र रखने के द्वारा. Apostle Paul said it in different way. Apostle Spirit ने एक दूसरे ही तरीके से इस बात को कहा. Talking about how we should not be controlled by the body, fleshly desires. और वहाँ पर वो कहता है कि कैसे हम देह के जो लोभ भोग विलास है उसके अनुसार हम नियंत्रित ना किए जाएं. See, this body which we call flesh has different desires. और ये वो देह जो हमारे अंदर है इसमें कई दूसरी भिन्न भिन्न इच्छाएं हैं. And so sexual desires. और वो शारीरिक भोग करने की. And sexual pleasures. और शारीरिक विलासाएं हैं. Sin, said some sin has pleasure. और कई कुछ पाप ऐसे भी हैं जिसमें सुख मिलता है. But the only problem is, लेकिन समस्या ये है, it is momentary. ये सिर्फ क्षण भर के लिए होता है. And after that, और उसके पश्चात, when that pleasure is gone, जब वो आनंद खत्म हो जाता what है, you did will leave you guilty and fearful. जो कुछ आपने किया वो आपको दोषी ठहराएगा और आपको भय में छोड़ जाएगा. And that's why the devil attack your body. और इसीलिए शैतान आपके शरीरों पर आक्रमण करता है. Bringing all kinds of desires. और हर प्रकार की इच्छाओं और विलासाओं को लेकर. And that's why most of the things that we do and even our relationship, everything is to satisfy our flesh. और इसलिए ज्यादातर बातें जो हम करते हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं कि हम अपनी देह को तृप्त करने पाएं. Apostle Paul says. पौलुस प्रेरित कहता है. I beat my body daily. कि मैं अपने शरीर को प्रतिदिन अनुशासित करता हूँ. Body must not control and rule over the spirit. कि मैं ये देह या ये शरीर आत्मा के ऊपर नियंत्रित ना करने पाए या उस पर राज्य ना करे. But the battle will be. लेकिन लड़ाई तो ये होगी. For the body to rule over the spirit. कि ये शरीर उस आत्मा के ऊपर राज्य करने. The spirit will tell you the right thing to do and the right place to go and the right kind of relationship. और आत्मा तो आपको सही प्रकार के रिश्तों के विषय में बताएगा, सही स्थानों के विषय में और सही बातों के विषय में. But the body will dictate you. लेकिन शरीर आपके ऊपर नियंत्रित करना चाहता है. Pleasure. वो उन सुखों के लिए. Enjoyment. और वो आनंद के लिए. Go for it. और वो कहेगा जाओ ये करो. And so which one you will listen? लेकिन आप किसकी बात को सुनेंगे? If you do not have the spirit of God controlling you. और अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है जो आपको नियंत्रित करता है. You have no control over the flesh. तब आपके उस आपको अपने शरीर या देह के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं. You will just give your body to the cravings of the flesh. और आप अपनी देह को दे देते हैं उस शारीरिक विलासों और सुखों के लिए. So the apostle Paul says. और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है. I beat my body daily. कि मैं अपने शरीर को प्रतिदिन अनुशासित करता हूँ. And bring my body to my subjection.
कि और अपनी शरीर को या देह को अपने नियंत्रण में लाता हूं। So that I will not be subjected to the body, but the body will be subjected to me. ताकि मैं शरीर के द्वारा नियंत्रित ना किया जाऊं, लेकिन शरीर को मैं नियंत्रित करने पर। And that's the way you keep your body holy as a living sacrifice, a holy sacrifice for a holy God to dwell within your body. और इस प्रकार से आप अपने शरीर को एक पवित्र बना करके रखते हैं, एक पवित्र परमेश्वर के लिए, कि वो आपके इस पवित्र शरीर में वास करे। Paul was talking in that place about the body's cravings. और पौलुस जो है शरीर की लालसाओं और विलासाओं के बीच, how you must bring your body under your subjection and not you subjecting to your body. कि कैसे आपको अपनी देह या शरीर को अपने नियंत्रण में लाना है, इसकी बजाय कि आप खुद उसके द्वारा नियंत्रित किए जाएं। So your body is very important. और इसलिए आपका शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। Your body is a VIP house. और याद रखिए, आपका शरीर अति विशिष्ट गृह, अतिथि गृह या निवास स्थान है। Because who lives there? क्योंकि कौन वहां रहता है? Not ordinary. कोई साधारण व्यक्ति नहीं। Is the great eternal King of Kings, Lord of Lords, the Almighty God, the Creator. लेकिन वो महान परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सृजनहार और सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके भीतर वास करता है। So your body has to be a living, holy sacrifice. And a living sacrifice and acceptable. और इसलिए आपके शरीरों को एक जीवित, एक पवित्र और एक ग्रहण योग्य बलिदान बनना है। Yeah. So a living sacrifice. एक जीवित बलिदान. Holy sacrifice. पवित्र बलिदान. Acceptable और एक ग्रहण योग्य बलिदान. May God grant us His grace, and He has already granted you the grace. होने दे परमेश्वर हम सबको अपने अनुग्रह से भर दे, और उसने पहले से ही अपने अनुग्रह को हमें दिया है. To live. Not under the control of your body, but under the control of the Holy Spirit and God Almighty who lives within you. ना कि हम अपनी देह के नियंत्रण में रहें, लेकिन उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जो हमारे शरीरों में वास करता है. And always be prepared to live or die for the sake of Jesus. और हमेशा इस बात के लिए तैयार रहे कि हम यीशु के लिए मरें या उसके लिए जीने पाए। That is the meaning of this. और ये बात, ये अर्थ है इस वचन का। Be ready to live. आप तैयार रहें जीने के लिए। And glorify God. और परमेश्वर को महिमा देने। And please God. और परमेश्वर को प्रसन्न करने। And lift Him up. और उसे ऊंचा उठाने। Let the world see Jesus shining, His light shining through us. और होने दे यीशु आपके जीवनों से, ये संसार आपके जीवनों से यीशु की इस ज्योति को चमकता हुआ देखने पाए। And in that pursuit, और ऐसे या इसके पीछे चलते हुए, if you have to die, be prepared to die. अगर आपको मरना पड़े तो तैयार रहिए मरने के लिए। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let your commitment and dedication be complete and pleasing to God. This is acceptable sacrifice. होने दे आपका समर्पण और आपका भक्ति परमेश्वर के प्रति संपूर्ण होने पाए। Holy Spirit of God. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा। We cannot do these things without you. और हम तेरे बिना ये सारी बातें नहीं कर सकते। Spirit of God, come and dominate us. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा, आप आइए और हम पर अपना नियंत्रण करिए। Empower us. हमें सशक्त बनाइए। And may we truly display the life of Jesus Christ in and through our bodies. और होने दे हम सत्य रूप में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन से दिखाने पाए। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. This is a great day, friends. Enjoy living for God. एक महान दिन है मेरे मित्रों, और परमेश्वर के लिए जीने के लिए आप आनंदित हो जाएं। Amen. Amen.